हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे डे फाइव के बारे में। बिजी में डे फाइव में हम क्या करेंगे? तो आज हम करेंगे परचेज एंट्री। परचेज में हम कैसे परचेज एंट्री चढ़ाएं, कैसे हम उसको मॉडिफाई करें, कैसे डिलीट करें और कैसे उसकी एक बेसिक सी रिपोर्ट देखें। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में, और अगर आपने डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर की अगर ट्रेनिंग की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों परचेज एंट्री चढ़ाने के लिए आपको आना है ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में आने के बाद आपको आना है परचेज में। अब जैसे ही आप परचेज पे आओगे तो मैंने बताया आपको हर जगह पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, और तीनों ऑप्शन के वर्क कैसे होंगे ये भी मैंने आपको बताया। ऐड मतलब कि नया कोई परचेज आपको चढ़ाना हो तो, और मॉडिफाई मतलब कि कोई पहले से परचेज चढ़ी हुई थी उसको हमें मॉडिफाई करना है, कुछ एडिट करना है उसके अंदर। और लिस्ट मतलब जितने भी परचेज एंट्री चढ़े हुए उसकी लिस्ट, एक बेसिक सी रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो ये विंडो ओपन हुई है ये परचेज की है। अब परचेज में सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, डेट। तो जो भी बिल आपके पास आया है परचेज का उस पर एक बिल मेंशन होगा, बिल डेट। तो यहाँ पे वो आप बिल डेट मेंशन करेंगे। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने डाल दिया आज है 14/11, ये बिल का जो भी मेरे पास बिल है उसका उसके ऊपर ये डेट है। क्योंकि मैक्सिमम जो बिल्स आपके पास आएंगे मैक्सिमम तो वो जो है बैक डेट के होते हैं, यानी कि यस्टरडे यानी कल के हैं, परसों के हैं, ऐसे हैं। करंट डेट के भी बिल्स होते हैं लेकिन वो बहुत कम होंगे आपके पास। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है वाउचर नंबर में बिल नंबर जो आपके बिल पे लिखा होगा। किसी किसी बिल नंबर लिखा होता है, इनवॉइस नंबर लिखा होता है, बिल ऑफ सप्लाई लिखा होता है, वाउचर नंबर लिखा होता है। तो इस तरह से जो बिल पे भी आपके लिखा हो तो वो वाउचर ही नंबर है एक तरह से। तो आपको यहाँ पे वो वाउचर नंबर डालना है, जैसे कुछ इस तरीके के होंगे तो ये वाउचर नंबर है। उसके बाद एंटर करें। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपका जो परचेज है वो किसके अकॉर्डिंग है, मतलब जो टैक्स है लोकल टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, कैसा टैक्स है। अब मैं आपको और सरल भाषा में समझाऊं कि जो आपके पास बिल आया है उस पूरे बिल पे अगर 12% का टैक्स है तो आप यहाँ 12% ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ 12 टाइप किया, अब मुझे डिसाइड ये करना है कि वो लोकल है या सेंट्रल है। अब लोकल सेंट्रल कैसे पता लगाऊंगा मैं, जैसे आपकी जो फर्म है वो दिल्ली की है और जो बिल आपके पास आया वो यूपी का आया हुआ है तो यानी कि वो सेंट्रल हो गया। और अगर आपकी फर्म दिल्ली की है और दिल्ली से ही वो जो है आपके पास सामान आया है तो इसका मतलब लोकल है। ओवरऑल सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो आपके क्षेत्र आपके स्टेट से अगर आ रहा है कोई भी सामान तो वो आपके लिए लोकल है। और अगर वो हल्के से किसी बॉर्डर, जैसे उसका जीएसटी नंबर चेंज होता है, जैसे आप जैसे दिल्ली का कोड है 07 और अगर दिल्ली के अलावा कहीं भी जैसे 05 हो गया, जैसे 05 उत्तराखंड का है, 09 हो गया, 06 हो गया तो यानी कि सेंट्रल में आ गए तो वो फिर सेंट्रल में आएंगे, और लोकल है तो लोकल में आएंगे। यहाँ पे आप ऐसे डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हैं अगर एक सिंपल टैक्स है तो। अब जैसे कि जो बिल्स है मैक्सिमम बिल्स में ये देखा जाता है कि जो उसके अंदर आइटम है वो कम से कम 6-7 तरीके के आइटम है मल्टीपल टैक्सेस के। जैसे एक आइटम है जिसपे 12% है, दूसरे आइटम पे 18% है, तीसरे आइटम पे 5% है, चौथे आइटम पे 28% है, या फिर 12% है और 18% है, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में फिर आपको ये टाइप करना है, और मैं तो कह रहा हूँ सभी केस के लिए आप जब परचेज एंट्री चढ़ाएं तो आप ये फिर देखो ही मत कि 12% 18% सेंट्रल लोकल। आप सिंपली टाइप करो आइटम, और आइटम वाइज के बाद अब आपको यहाँ डिसाइड करना है वो पार्टी आपकी लोकल है या सेंट्रल है। जैसे कि वो पार्टी मेरी लोकल है तो मैंने लोकल पे एंटर कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो भी आइटम में हमने डिफाइन किया है, जैसे कि हमने जो तीसरे डेज की ट्रेनिंग थी उसमें हमने ये समझा था कि कैसे हम उसमें जो है आइटम बनाए, और आइटम में हमने HSN डाला था, उसका टैक्स भी डाला था। तो अब ये क्या करेगा, आइटम के अकॉर्डिंग हमारे उस टैक्स को जो है अपने आप ही डिफाइन कर देगा और उसके अमाउंट को ऑटोमेटिक। अभी देखिए आप एग्जांपल के साथ देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कर्सर जो रुका है वो पार्टी पर रुका है, मतलब कि किस पार्टी से परचेज किया आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैंने टाइप किया कि मैंने BG Infotech से परचेज किया,
मान लीजिए अगर वो अगर आप यहाँ पे पार्टी सर्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे गुप्ता बना हुआ है, तो गुप्ता देखो यहाँ पे चंडी डेटर्स है, आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको जो ट्रेनिंग दी है लेजर की, उसमें मैंने बताया हुआ है चंडी डेटर्स हमारे सेल्स के लिए होते हैं, यानी सेल्स की पार्टी है, और संडी क्रेडिटर हमारी परचेज की पार्टी है। यहाँ पे क्या है कि अभी क्रेडिटर बना हुआ है बिजी इन्फोटेक, बट हमने इससे परचेज नहीं किया, अब वो पार्टी यहाँ पे बनी ही नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही ये लिस्ट ओपन होती है तो यहाँ पे अपने कीबोर्ड से F3 का बटन प्रेस करेंगे, और यदि आपका कोई लेटेस्ट कीबोर्ड है तो आप यहाँ पे FN के साथ F3 करेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे F3 किया और देखिए यहाँ पे मेरे पास लेजर बनाने का ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए मैंने RB इन्फोटेक LLP मैंने इनसे परचेज किया, और फिर एंटर एंटर करके यहाँ पे मैं ले लूंगा सन्ड्री क्रेडिटर, और कोई उधारी नहीं है इनके ऊपर, और एड्रेस भी इनका मेंशन कर देता हूँ दिल्ली इंडिया, और फिर उसके बाद जो भी इनका GST नंबर होगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ये अनरजिस्टर्ड है, मैं वो सारी डिफाइन कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं इसको F2 करके सेव कर दूंगा ताकि मुझे ज्यादा और एंटर ना करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं RB इन्फोटेक LLP हमने इनसे बाय किया, तो ये सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको सबसे पहला ही ऑप्शन रखना है इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज, नरेशन में कुछ अगर लिखना है आपको इस बिल के रिगार्डिंग तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा एंटर करेंगे तो देखिए हमारा जो है एक आइटम इसमें बन चुका है, कीबोर्ड प्लस माउस, ये हमारा आइटम पहले से बना हुआ है। अगर कंडीशन यहाँ पर भी ऐसी आती है कि मुझे नया आइटम बनाना है क्योंकि वो आइटम है ही नहीं इसके अंदर जो मैंने अभी इनसे परचेज किया, तो सेम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे F3, जैसे ही लिस्ट ओपन होती है, लिस्ट ओपन होने के बाद ही आपका F3 काम करेगा। तो अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल माउस परचेज किया है, माउस वायरलेस, और उसके बाद मैंने एंटर एंटर किया, और ये कंप्यूटर पार्ट्स में डाल देता हूँ, और फिर उसके बाद ये मेरा पीसीस है, और कैटेगरी में मेरा 12% का टैक्स है इसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन कोड डाल दिया मैंने, और 100 रुपये का सेल प्राइस इसका, और 77 का इसका परचेज प्राइस है, और 100 रुपये की MRP है इसकी, मिनिमम सेल वगैरह ये हम कुछ नहीं डालेंगे, और उसके बाद हमें और कुछ नहीं डालना। F2 से आप इसको सेव कर देंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि इंस्टेंटली हमने यहाँ पे नई पार्टी को क्रिएट किया है, इंस्टेंटली हमने आइटम को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद कितनी क्वांटिटी परचेज करी, 10। तो देखिए अब मैं एंटर एंटर कर रहा हूँ, अब ये आइटम के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स लग गया, ये 6-6% इस पर टैक्स लग चुका है। अब ऐसे ही मान लो मैंने जो मेरा आइटम बना हुआ था, मैं कीबोर्ड प्लस माउस सर्च किया मैंने, और इसका मैंने 50 पीस परचेज किया 380 के अकॉर्डिंग, और देखिए इसके ऊपर 18%, अगर आपने ध्यान दिया हो थोड़ा सा, अगर वीडियो बैक कर सके तो देख सकते हैं, उस पे 6-6% लगा है, इस पे 9-9% लगा है, तो आइटम वाइज में यही बेनिफिट है। आप अगर लोकल कर रहे हैं, सेंट्रल कर रहे हैं, कोई सा भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आइटम वाइज ही लें, हमेशा हमेशा के लिए आइटम वाइज लें आप, क्योंकि क्या है कि आइटम के अकॉर्डिंग अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा टैक्स, उसमें फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है अब मैं वन बाय वन में रिपीट करता रहूंगा, रिपीट करता रहूंगा, और लास्ट में फिर क्या, मैं टैब के बटन से नीचे आ सकता हूँ या माउस से डायरेक्टली मैं यहाँ क्लिक कर सकता हूँ बिल सन्ड्री पे। अब सपोज करके चलिए कि इसमें मेरा फ्रेट चार्ज लगा है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया फ्रेट, और यहाँ पे चार्ज डाला 250 रुपये, उसके बाद फिर मेरे को इन्होंने डिस्काउंट दिया, तो मैं जब टाइप कर रहा हूँ डिस्काउंट, आप परसेंटेज में है या अमाउंट में है आप डिसाइड कर सकते हैं, शुरुआत का परसेंटेज है, लास्ट में अमाउंट है। अब मान लीजिए परसेंट में 5% का इन्होंने डिस्काउंट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग 1176 रुपये का ये बिल बन रहा है, और लास्ट में आप इसको क्या करेंगे, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और इसे यस करेंगे और ओके करेंगे, अब ये जो अकाउंट की पोस्टिंग है इनके लेजर में हो जाएगी और सेव हो जाएगा। तो बिल हमारा सेव हो चुका है, अब एक बार हम इसको जाके चेक करते हैं, स्केप करके इसे क्विट कर देंगे। अब हम मॉडिफाई में जाएंगे और मेन पे एंटर करके उस बिल को नंबर डाल देंगे हम, जो भी बिल का नंबर है उसके बाद एंटर एंटर करेंगे, और ये देखिए ये बिल जो है हमारा चढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर कुछ एडिट करना है, मान लीजिए जो मैंने 50 डाला था, एक्चुअली ये 50 नहीं था 55 था, तो मैंने 55 डाल दिया, और उसी के अकॉर्डिंग देखो रेट बढ़ चुका है, पहले ये 23,000 22,000 कुछ का था, और अब देखिए 24,000 कुछ का हो गया है, उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ओके किया इसे, यस किया, ओके।
और इनके लेजर में भी ये पोस्टिंग दोबारा से अपडेट हो जाएगी और सेव हो गया। वैसे ही जो तीसरी बात करी थी मैंने कि इसकी हमें पोस्ट बेसिक रिपोर्ट देखनी है या डिलीट करना है, तो लिस्ट पे हम जाएंगे, स्क्रीन पे क्लिक किया हमने ऑल, और यहाँ पे डेट मेंशन कर दी कब से कब तक हमें चाहिए। शो आइटम वैल्यू, इसे हमने यस कर दिया, और उसके बाद शो पार्टी जीएसटी नंबर, नहीं पार्टी के जीएसटी नंबर नहीं देखना, शो रिपोर्ट नोट्स कॉलम, इसे भी हमने यस कर दिया और ओके कर दिया। ये देखिए हमें एक बेसिक सी रिपोर्ट मिल रही है कि ये जो हमने परचेज जो किया है आइटम के अकॉर्डिंग, और नीचे आप देखेंगे ये जो है 20,381, ये जो रेट दिखा रहा है हमें ये विदाउट जीएसटी दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एक बेसिक चीज देख सकते हैं। अब इसे हम एंटर करेंगे और देखिए ऊपर F8 से आप डिलीट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने आइटम की लिस्ट में भी जाके डिलीट करना चाहा तो F8 से होता है, लेजर को भी चाहा तो F8 से, और ऐसे ही आपका बिल भी F8 से ही डिलीट होगा। फिर माउस से इस पे क्लिक करेंगे और इसे इस पे यस करते ही ये बिल डिलीट हो जाएगा, इस तरीके से ये बिल डिलीट हो जाएगा। तो आपको परचेज बिल चढ़ाना कैसे है, एंटर कैसे करना है, वहां पे नई पार्टी बनाने के लिए कैसे आपको F3 प्रेस करना है आइटम लिस्ट ओपन के बाद, आइटम में भी आप चाहे इंस्टेंटली क्रिएट कर सकते हैं F3 से, और जल्दी से सेव करने के लिए F2, और फिर उसके बाद बिल को आप जो है सिंप्लीफाई, आपने देखा हमने उसके आइटम्स को डाला, क्वांटिटी को डाला, उसके प्राइस को, फिर फ्रैट चार्ज जो नीचे सेंडरीज होती है, कैश डिस्काउंट जो मिलता है हमें, और उसके बाद बिल को सेव कर दिया। फिर मॉडिफाई कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया आपको, और उसके बाद फिर हमने कैसे समझा कि उसको हम कैसे जो है लिस्ट में जाकर डिलीट भी कर सकते हैं या उसकी लिस्ट देख सकते हैं कितने की हमारे पास परचेज है। आई होप दोस्तों कि आपको डेज 5 की ट्रेनिंग समझ में आई होगी, कैसे हमें परचेज चढ़ाना है, कैसे इंस्टेंटली सब कुछ हमें क्रिएट करना है। अब हम डे 6 में समझेंगे सेल एंट्री के बारे में। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और बने रहे इस चैनल पे, तो जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विस लेनी है तो दिए गए नंबर पर हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।